सबसे पहले तो गणपति बापा मोरया, और आई थिंक यही एक मौका होता है जब सब लोग मिलते हैं, यू नो, अपार्ट फ्रॉम दिवाली. दिवाली इज़ मोर अबाउट पार्टी, दिस इज़ मोर अबाउट अ गैदरिंग, लव, यू नो, व्हेन यू वेट फॉर द एंटायर ईयर फॉर गणपति बापा टू कम. सो आई थिंक अच्छा मौका होता है एक. I just want to say that you know, Anu is one of my closest people in Mumbai, and bahut sare ghar jana hota tha, which is what I was just telling you. Shoot pe aap parso mere sath thi, where I was like itne ghar to nahi ja sakte hain, but agar yahan nahi aata hota to bahut pitai hoti aur bahut acha acha khana miss ho jata tha. So I had to come, and also Anu dikh itni sundar rahi hai, as you can see, so mujhe line bhi maani rehti hai Anu pe, to line, yeah. So मेरी मदर इन लॉ सामने ही, मैं अनु की मदर इन लॉ और अनु के पति भी पीछे हैं, उनके सामने ही इन पे लाइन मारता हूँ. सौरू सुन रहा है तू? सौरू हैज अप्रूव्ड इट. सौरू ने बोला जब जब मैं परेशान होता हूँ तेरे साथ चली जाए. आई थिंक मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन पोस्ट कोविड बहुत लोग, हम सिर्फ बैड न्यूज ही सुन रहे हैं बहुत टाइम से, यू नो, एवरी मंथ वी आर लिसनिंग समथिंग बैड ओनली. मेरी अपनी फैमिली में ही मैंने बहुत कुछ सुन लिया है. सो आई थिंक वो सब चीज़ें जल्दी खत्म हो जाए इज वॉट, you know, I would ask this time papa that, you know, achhi cheeze sunne mein mile aur buri cheeze ab bas ho gaya, bahut sun li. channa mere main roz dekhti hu, aur Saurabh bolta hai ye kya dekh rahi hai. तो अरमान को मैं रोज़ देखती हूँ, येस, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल शो. दो आई एम नॉट डूइंग दैट शो, बट मैं वो शो रोज़ देखती हूँ. या वेल, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइट. बप्पा दे दिया भी है, लिया भी है. आई जस्ट होप दैट एवरीबडी अराउंड मी इज़ हैप्पी, एंड एवरीबडी अराउंड मी इज़ यू नो ब्लेस्ड विद प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ. इतना ही कहना चाहूँगा, बप्पा जब आती तो कोई बुरा तो कुछ कहता नहीं है. बुरा खत्म करने के लिए आई थिंक बप्पा इज देयर, सही टाइम आ गया है. अनु ने बोल दिया है अभी खत्म. पिछले साल हमने से बोला था थोड़ा सा थम जा, यू नो, काम, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, सब अच्छा होगा. और अब पिछले एक साल से इसके लिए सब अच्छा हो रहा है. रेडियो, चन्ना, यू नो, एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड. बिग बॉस हैपेंड फॉर हिम, सो या, आई एम वेरी हैप्पी. फर्स्ट विश मेरी ये है कि वेर एवर माई मॉम हैज़ गॉन, शी इज़ हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड फाइंड्स हेल्थ. सेकेंड विश इज़ दैट आई एम एबल टू फुलफिल ऑल हर ड्रीम्स, एंड वो जो चाहती थी, वो जो मुझसे करवाना चाहती थी, वो मैं कर पाऊँ, उसकी स्ट्रेंथ मुझे मिले. इससे ज़्यादा मैंने कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, जब पापा आते हैं तो मेरा मेन फोकस होता है कि दोपहर 1-1.5 बजे से पहले अनु के घर पहुँच जाओ, क्योंकि बहुत सारा खाना होता है वहाँ पर, और वो खाना खा लो. और उसके बाद मैं पापा से मांगूंगा कि अब जो ये खाया है उसका वेट पुट ऑन ना हो, इसका आशीर्वाद दे दो. मैं एक्चुअली हर साल अलग ही कुछ सोचती हूँ. मैं कभी भी डेकोरेटर के उस पर नहीं जाती हूँ. मैं बहुत सालों से खुद ही डेकोरेट करती आ रही हूँ. आई नेवर कॉल एनीवन. तो इस बार कुछ ऐसे, मतलब मुझे रेगुलर वो जो सब करते हैं लाइक फ्लावर्स 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 फ्लावर्स, आई डोंट वांट टू डू दैट. Because I like it different. That's yeah, it. Beautiful. It's like Bappa in the jungle theme, yeah, if you want to call it. Yeah, this can be Bappa in the jungle. It's very raw and very boho. So, yeah, it's that.